সাবাদা বীরমণি শিক্ষাপদিং স্মাদিয়ামি बड़ा ही खतरनाक प्रश्न है और ये प्रश्न मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा। ऐसे तो ये राजनीतिक और कूटनीतिक ज्यादा प्रश्न है और व्यवहारिक कम है, यानी कि इसके जवाब देने से ही राजनीति या ये कहें कि गंदी नीति या ये कहें कि घटिया नीति या ये कहें कि बिल्कुल तुच्छ और छोटी और नीच नीति आरंभ हो जाती है। दरअसल मांस को खाना या ना खाना या मांस के बारे में बात करना इतना ज्यादा प्रचारित है कि बुद्ध की जो मूल बात है लोग उसको भूल के बुद्ध के ऊपर अटैक और हमला करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो समझेंगे नहीं, बस पुरानी जो मान्यता जो भरी हुई है कूट कूट के या जो दिमाग के अंदर डाला गया है उसको लेकर बुद्ध की विचारधारा पर बुरी तरह से हमला कर देते हैं। बुद्ध ने मांस के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि आपने किलिंग नहीं करनी है, आपने किसी को मारना नहीं है। जब मारना नहीं है तो लोग कहते हैं जब मारना नहीं है तो मांस कैसे खा सकते हैं, इसमें कंट्राडिक्शन है। दरअसल अगर कोई मरा हुआ जीव है जैसे कटा हुआ पेड़ है तो फिर वो जुड़ नहीं सकता, ऐसे ही जो कोई जीव है अगर वो अपने आप मर गया या कोई पक्षी अगर मांस लेके जा रहा है और उसके चोंच से मांस या पंजे से मांस छूट गया या कोई जानवर शेर वगैरह ने कोई शिकार किया और वो खा के वहां से चला गया या कहीं किसी ने जानवर को मारा और वो मार के पड़ा हुआ है और छोड़ के चला गया, तब वो जीव नहीं है, आप उसको फिर हत्या नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ नहीं है, फिर वो मिट्टी है। आपको यकीन नहीं होता तो आप उस मांस के टुकड़े को वहां कुछ देर तक पड़ा रहने दीजिए, कुछ देर का मतलब है 12 घंटे 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे 72 घंटे 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, आप देखेंगे कि उसमें से बहुत जल्दी प्रोटीन है वो तो उसके अंदर से बहुत जल्दी डीके होने लगता है, वो सड़ने लगता है, उसके अंदर कीड़े भी पड़ सकते हैं, चींटियां आ सकती हैं और उसमें बदबू आने लगती है और वो धीरे 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 पानी उसका अलग बह जाता है, जो पानी है वो ऊपर उड़ जाता है, धीरे धीरे जमीन उसको सोख लेती है, चीटियां उसको खा जाती है, फिर वहां कुछ नहीं बचता। अगर हड्डी हो तो सिर्फ हड्डी बचेगी, वो भी छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो इतना साफ कर देते हैं कि हड्डी पूरी चमकदार शीशे में रखने लायक जड़ने लायक हो जाती है। तो बुद्ध ने मांस के बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि भिक्खु अपनी कोई इच्छा जाहिर नहीं कर सकता खाने में जब वो जाएगा, क्योंकि अगर वो इच्छा जाहिर करेगा तो फिर वो भिक्खु नहीं है, भिक्खु की कोई इच्छा नहीं होती। तो वो जो जिस दरवाजे पर जाता है और जिस दरवाजे पर जाके वो धम्म पढ़ाने के बदले खाना लेता है तो उसको खाने में कुछ भी मिले वो ये नहीं कह सकता कि मैं ये नहीं खाता या वो नहीं खाता, उसको सब चीज खानी पड़ेगी। और जो दिया गया है उसमें चाहे मांस हो चाहे उसमें अंडा हो चाहे उसमें सब्जी हो चाहे उसमें पानी हो चाहे उसमें ज्यादा लवण हो यानी कि नमक हो या ज्यादा उसमें मिर्च हो, वो मना नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जीभ का स्वाद खत्म हो चुका है। अगर उसके मन में या उसकी जीभ का स्वाद है तो फिर वो भिक्खु नहीं है क्योंकि उसकी तो अभी इच्छा बाकी है, तो भिक्खु कहां से हुआ वो। तो इसलिए कुछ भी खाने का अगर वो उसे मिलेगा उसे लेके आना पड़ेगा और चूंकि उसे खाना मिलके खाना है, पांच भिक्खु है तो पांच मिलके खाएंगे, आसपास अगर बिहार है तो सारे लोग बिहार में इकट्ठे होंगे तो सारा खाना मिक्स करेंगे बांटेंगे तो खाने में कुछ भी आ सकता है। तो भिक्खु खाना खाते समय जीभ का स्वाद नहीं लेता, इसलिए वो सारे खाने को मैश करता है, मिक्स करता है, बिल्कुल जैसे कोई चीज मिक्स की जाती है अच्छी तरह से और मिक्स करने के बाद में फिर उसको खाना खाता है तो सारे खानों के जितने टेस्ट है वो खत्म हो जाते हैं, एक टेस्ट पूरे खाने का मिलके आता है जिसको वो ग्रहण नहीं करता, सिर्फ उसको जानता है। तो उसको ये पता ही नहीं रहता कि जो खाना लेके आया है वो खाना जो बिहार में खा रहा है उसमें मांस है या नहीं है, जो भी है उसके लिए वो भोजन है। तो बेसिकली वो ना वो मांसाहारी होते हैं ना वो शाकाहारी होते हैं, वो होते हैं भोजनहारी। उनको इतना खाना चाहिए कि 24 घंटे जीने के लिए उन्हें पर्याप्त हो, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें सब्र कर लेते हैं, कई बार भूखे भी रहते हैं, वो उनकी विपस्सना साधना से प्रैक्टिस होती रहती है। ये पूछना कि भिक्खु मांस खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, उपासक अपने तरह से सोच के उसको करता है। उपासक सोचता है
मांस की बड़ी बड़ी बोटियां हैं हाथ में हैं और वो मांस को छील छील के खा रहा है। ऐसे ही वो इमेजिन करता है कि भिक्कू भी खा रहा है। भिक्कू का खाना अलग तरह का होता है, वो सारे खाने को ऐसे 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 करके मिक्स कर लेता है, उसे पता नहीं होता क्या खा रहा है। इसलिए ये सवाल कि वो खा सकता है या नहीं खा सकता है, ये बहुत छोटा सा सवाल है, मगर इसकी राजनीतिक परिणाम, इसके कूटनीतिक परिणाम या इसके खराब नीति के परिणाम या इसके पाप नीति के परिणाम लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बुद्ध ने किलिंग के लिए मना किया, मांस के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो बाद के लोगों ने प्रचार किया कि देखो बुद्ध ने मांस के लिए मना नहीं किया और अब हम मांस भी नहीं खाएंगे, यानी कि वो मरे हुए का मांस भी नहीं खाएंगे। इसको तैयार मांस बोलते हैं, जो अपने आप मर गया वो तैयार मांस होता है, वो तो एक तरह से एक भोज्य पदार्थ होता है, उसको जानवर खाएं, जीव खाएं या उसको मनुष्य खाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मरना था वो मर गया, अब वो मिट्टी है। तो बाद के लोगों ने बुद्ध को डाउन करने के लिए ये प्रचार किया कि हम मांस भी नहीं खाएंगे, जबकि वो सबसे ज्यादा मांस खाते थे। उन्होंने इसको सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया और लोगों के दिमाग में और जहन में ये बात डाली कि देखो मांस नहीं खाते। बुद्ध ने तो मांस के लिए कभी ना हाँ कहा ना कहा, मना ना उन्होंने मना किया और ना उन्होंने हाँ कहा, वो जवाब नहीं देते, मगर हम क्लियर कहते हैं कि हम मांस नहीं खाएंगे। और ना केवल हम मांस नहीं खाएंगे, हम जो जानवर पहले खाते थे उनकी हम पूजा भी करेंगे, उनको हम मानेंगे भी। तो लोगों को इस बात पे मानसिक रूप से तैयार करके और ज्यादा फर्क पड़ा। तो मांस एक राजनीतिक हथियार बन गया और राजनीतिक हथियार बनने से लोगों के मन मस्तिष्क में डाला गया कि जो मांसाहारी होते हैं वो बुरे होते हैं और जो शाकाहारी होते हैं वो अच्छे होते हैं। अरे भाई, मांसाहारी बुरे कैसे हो सकते हैं? ये जो जीव है ये मांस की बनी हुई है और ये जब पैदा होते हैं मांस से बनती है और मांस के अंदर ही रहती है। इस जीव का स्वाद हम पैदा होने से लेकर और मरने तक लेते हैं। हमारा जो गाल है अंदर, ये सारा गाल है, ये मांस का बना हुआ है। हम 24 घंटे अपने गाल के मांस का स्वाद लेते हैं। हमारी जीव अंदर से कट जाए तो खून हमारे पेट में ही जाता है, बाहर नहीं आता, कितना भी थूकें बाहर आएगा, तो खून हमारे शरीर में है, पूरा शरीर ही मांस से बना हुआ है। तो चमड़े की बेल्ट को पहनना राजनीति है, मगर चमड़े के ऊपर चमड़ा पहनना राजनीति नहीं है। इसको ध्यान से सोचिए, जो जीवित मांस है उसके ऊपर मरा हुआ मांस जो उसे पदार्थ रह गया है, या जैकेट पहनना या ग्लव्स पहनना, वो राजनीति में आता है, तुच्छ नीति में आता है। और मांस के ऊपर ही पहनना है उसको, उसको ध्यान नहीं देते। ये राजनीति या कूटनीति या तुच्छ नीति बाद में लोगों के जनमानस में डाली गई। चमड़े का सामान मत इस्तेमाल करो, मगर चमड़ा लेके खुद चल रहे हो। पूरे शरीर में सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो स्किन है, चमड़ा है, मगर चमड़े का मृत सामान ले जाने में दिक्कत है, चमड़े का जीवित सामान ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तुच्छ नीति है। पूरे शरीर मांस का बना हुआ है। आदमी उंगली को पीता है, दूसरे को किस करता है, किसी को प्यार करता है, तो मांस से मांस टच होता है। आपके लिप से दूसरे की स्किन टच होती है। हम दिन रात अपनी पत्नी को या अपने बच्चे को या छोटे बच्चों को या किसी दूसरे बच्चे को प्यार करते हैं, हम जानवर को भी प्यार करते हैं, किस भी करते हैं, लाखों हजारों फोटो है, पिक्चरों में ऐसा है, देखा है आपने, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हम मांस से मांस को खूब टच करते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, मगर हम मृत मांस से अगर चमड़े कोई हो तो उससे घृणा करते हैं। ये तुच्छ नीति है, राजनीति तो नहीं कहेंगे, क्योंकि राजाओं की तो अच्छी नीति होती है, ये तुच्छ नीति है, घटिया नीति है, जो मन मस्तिष्क में बैठाई हुई है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं अरे भिक्कू तो मांस खाता है, भिक्कू कभी मांस नहीं खाता, भिक्कुड़ी कभी मांस नहीं खाती है, वो सिर्फ भोजन खाते हैं, उनको दे दो, वो बिहार में ले जाके क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्ध ने बिहार के कोई नियम ऐसे नहीं बनाए, क्योंकि बिहार एक जगह है जहां आपने, या बिहार एक आराम है या राम है जहां आपने रमना है, और वहां आप रमिए, भोजन बीच में नहीं आता। मनुष्य के मन को शुद्ध करने में उसका भोजन बीच में नहीं आता, किलिंग आती है। आप किसी को मारेंगे तो मन शुद्ध नहीं होगा, मगर अगर कोई मरा हुआ मांस है और उसे आप ग्रहण करते हैं, जान के करें या अनजाने में करें, उससे आपके मन में अशुद्धि नहीं आएगी। ये नियम भिक्कुओं के लिए है, मगर पब्लिक के लिए तो नियम सारे खुले हुए हैं, क्योंकि लुड्डक होते थे, शिकारी होते थे, उस समय शिकार करते थे, आम आदमी जंगल में मांस के लिए जानवरों को मारता था, अंडे खाता था, वो सारा काम वो करता था,
उनके लिए नियम नहीं है। हालांकि सबके लिए कहा है कि पंसिल अपनाओगे तो मारोगे नहीं, उसका फायदा होगा, मगर जो लोग नहीं अपनाना चाहते उनके लिए बुद्ध ने कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं बनाया कि भाई अगर ये किलिंग करता है, मारता है, तो ये आदमी अच्छा नहीं है या ये ऐसा आदमी है या वैसा आदमी है। वो भी अपने पाप कर्म को जब चाहे जब दूर कर सकता है, जब जिसको समझ में आ जाए तो मारना नहीं है। अनंत सारे जीव कभी ना कभी तो मरेंगे। जो समुद्र में मछलियां हैं वो एक ना एक दिन मरती हैं, फिर नई आती हैं। जो जंगल में जानवर हैं वो सारे मरते हैं, फिर नए आते हैं। जो घरों में पालने वाले जानवर हैं वो भी मरते हैं, और मरने के बाद में वो भी और भी उत्पन्न होते हैं। तो जो मरे हुए जीव है उसको तैयार बोला हुआ है। आप किसी जीव को काटें या अपने आप मरे, संख्या तो उतनी रहेगी, क्योंकि अगर 1000 जानवर आपके पास है तो 1000 में से आपने अगर 400 जानवर काट दिया तो 600 रह गया, और 1000 में से अगर 400 अपने आप मर गया तो भी 600 रह गया। तो आप अगर इंतजार कर सकते हैं कि वो जब अपने आप मरे तब उसको खाया जाए, तब उसकी खाल का इस्तेमाल किया जाए, तब उसकी हड्डियों का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। यही बुद्ध ने कहा है, काटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि काटोगे तो आपको पाप लगेगा, आपके अंदर एक निगेटिव फीलिंग आएगी जो आपको खत्म कर देगी, आपको नुकसान देगी, तो इंतजार कीजिए। तो पुराने समय में बुद्ध के बाद में जब जानवर अपने आप मर जाते थे या कोई मरा हुआ जानवर को छोड़ जाता था उसको तैयार मांस बोलते थे। भारत के पुराने लोग मरे हुए जानवर खाते थे, खाल बहुत कीमती होती थी। जो खाल है, जो स्किन है, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती थी कि जिसके पास सबसे ज्यादा खाल होती थी वो सबसे अमीर होता था, क्योंकि खाल ओढ़ने के बिछाने के काम आती थी। जो साधना करने वाले, तपस्या करने वाले लोग हैं वो ठंडे इलाकों में खाल को ओढ़ के चलते थे, आम आदमी खाल को ओढ़ के चलता था। आज भी ठंडे एरिया में कोई कपड़ा काम नहीं करता जब तक खाल का बना हुआ जैकेट या स्वेटर ना हो। खाल के तंबू बनते थे, खाल को बहुत ज्यादा रस्सी में या बट में या घोड़े के जीन में इस्तेमाल करते थे। खाल के पानी के बैग बनते थे जिसमें दही या शरबत या बाद में शराब भी उसमें डालने लगे, और अरब के जैसे कंट्रियों में तो खाल के ही बैग कहाँ, सूरज की गर्मी 50 डिग्री से भी ऊपर जाती थी, वहां तो पानी उड़ जाता था। तो अपने पानी को बचाने के लिए सारे यात्री खाल के ही बैग बनाते थे। और मस्क तो आप जानते होंगे, मस्क क्या होती है, जानवर पूरा पूरा जो मर जाता है तो उसको सिर्फ गर्दन से उसका मांस निकालते हैं और पीछे से निकालते हैं, दो छेद उसमें रहते हैं, उसके जो पैरों की खाल होती है उसको बांध देते हैं और वो मस्क बन जाती है, और उसमें 200-250 लीटर तक पानी आता है। ये तो अभी 10-15-20 साल तक भी पूरे भारत में चलता था। एक आदमी सफाई करने के लिए झाड़ू लेके नलियों में आगे जाता था, नालियों में, और एक मस्क का पानी लेके पीछे पीछे चमड़े में आता था। और जब कभी शादी और ब्याह होते थे तो मस्क मैन जो होता था, जो मस्क वाला आदमी होता था, उसको कहते थे कि भाई हमारे यहाँ पानी भर जाना 4 टब। तो वो मस्क मैन नल से पानी, हैंडपंप से पानी लाता था भर के या तालाब से, और उसको डाल जाता था किसी बर्तन में और उसका पैसा लेता था। तो चमड़े में आया हुआ पानी या चमड़े में आया हुआ शरबत सब लोग इस्तेमाल करते थे, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और जो साइबेरिया के जो ठंडे एरिया हैं या लेह लद्दाख के ठंडे एरिया हैं, उसमें जो भेड़ को मार के खाते हैं उसकी जो खाल होती है उस खाल के अंदर दूध को जमाते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो सिर्फ खाल वाला जो बर्तन होता है, जो खाल वाला टम्बलर होता है, उसके अंदर ही दही जमती है, वो भी कई दिन में। और फिर उस दही को ऐसे करके हिलाते हैं और हिलाने के बाद उसमें से मक्खन निकालते हैं, दही का अलग इस्तेमाल करते हैं, मक्खन का अलग करते हैं, मतलब मक्खन को वो जलाने के काम भी लेते हैं, दिए को जलाने के काम लेते हैं, रोशनी भी आती है उससे, उसका घी भी निकालते हैं, तेल भी निकालते हैं, बटर ऑयल। तो खाल के इतने ज्यादा इस्तेमाल थे कि जिनके पास खाल होती थी वो बहुत रिच लोग और बहुत बढ़िया लोग माने जाते थे। इसलिए कोई ये प्रश्न करता है कि बौद्ध भिक्खु बिहार में मांस खा सकते हैं, अधूरा प्रश्न है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है। जानकारी के हिसाब से तो वो खुद भी सोच सकता है कि पूरा पूरा खाल का बना हुआ है, पूरा पूरा मांस का बना हुआ है, पूरा पूरा शरीर में मांस ही मांस भरा हुआ है, खून ही खून भरी हुई है, गंदगी गंदगी भरी हुई है, थोड़ा सोच लेता तो प्रश्न ही नहीं करता। मगर राजनीतिक कूटनीतिक सत्ता परिवर्तन के लिए आज भी लोगों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि मांस अच्छा है या मांस खराब है। आप इस मांस वाले चैप्टर को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो फिर अपने से शुरू कीजिए कि आप मांस के बने हुए हैं, आप जो दिन रात दूसरे को प्यार कर रहे हैं या किस कर रहे हैं या चाट रहे हैं, मांस खा रहे हैं दरअसल आप, और आप जो दूध और दही खा रहे हैं, क्योंकि जो जमीन से प्राप्त होता है वो वनस्पति होता है और जो जानवर से प्राप्त होता है वो मांस में आता है। तो जानवर से दूध और दही भी प्राप्त होता है, खून प्राप्त करें या दूध प्राप्त करें दोनों जानवर से मिलता है,
अंडा प्राप्त करें वो भी जानवर से मिलता है। तो जानवर दूध जितने भी लोग पीते हैं या माँ का दूध पी रहा है बच्चा, तो वो शरीर का ही एक हिस्सा पीता है, वो मांस से ही बनता है, उसके प्रोटीन में बिल्कुल मांस जैसे गुण होते हैं। दूध को जलाओगे या मांस को अगर तेज आंच पर जलाओगे तो दोनों की स्मेल, दोनों की बदबू या खुशबू एक जैसी आती है। आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों लगभग सिमिलर है। इस प्रश्न में कोई ऐसी चीज नहीं है सिवाय इसके कि ये तुच्छ नीति है। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.